आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह आदर्श नगर थाना बल्लभगढ़ के बाहर से लाइव हैं। एक महिला शिकायत लेकर आई है, इसको हरदोई से अगवा किया गया, उसको उगा कर फरीदाबाद लाया गया और तीन महिला के साथ दोनों राजू सिंह ने इसे अपने साथ रखा है और धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की है। पुलिस अपनी कार्रवाई में लगी हुई है। अभी इसे बाकी करते हैं, क्या मामला है और बजरंग दल वालों से संपर्क किया, भैया हमारी मदद करो, कार्रवाई करो। बजरंग दल वाले यहाँ पर पहुँच बात करेंगे। देखिए बात है, कहाँ से आई हैं आप? पूरा मामला है, क्या हुआ है आपके साथ? बहुत जबरदस्ती लाओ में दूध ले गए हैं। मुझे पता है कहाँ सुमाए के ले गया। जब मुझे होश हुआ तो मैंने बल्लभगढ़ का। कौन लाया था? सोनू। सोनू पूरा नाम? पूरा नाम सिराजुद्दीन। अच्छा, कितना दिन हो गया? 6 महीना। 6 महीना हो गया। अपने साथ कितने दिन से रख रहा है आपको? अपने साथ 6 महीना से रख रहा हूँ। लॉकअप बंद करके जाती हूँ, ताला लगा। लॉकअप में बंद करके जाता है। अच्छा, मारपीट तो नहीं हुई आपके साथ? कुछ और पूरी देह नीली पड़ी। देह नीली पड़ गई है। अच्छा जी, तो क्या चाहते हो आप? मैं अपने घर जाना चाहूँ। पुलिस में शिकायत दे रहे हो आप? हाँ दी। कार्रवाई भी चाहते हो आप? हाँ। अच्छा जी, सराजुद्दीन को क्या सजा मिलाई? हाँ जी, उसको उस शख्स को कैसे जानते थे आप? मैं जानते ना है, मैं तेरे फोन करती हूँ बार बार, मैंने कही मेरे तेरे फोन मत कर। अच्छा अच्छा, फोन करता था आपको? अच्छा, तो बल्लभगढ़ में कहाँ ले आया था, कुछ है जानकारी? 24 फुट रोड। अच्छा जी, अच्छा, तो चलो बजरंग दल वाले हैं, थोड़ा इनसे भी बातचीत करेंगे, इनको पूरी कहानी पता। भाई पुनीत, क्या हुआ है, क्या चाहते हो बताओ भाई, क्या मुद्दा है? ये बच्ची है जो बहुत ही प्रताड़ित थी। अब इसका लोगों को पता तब चला जब इसके साथ में हादसा मारपिटाई हुई है गली में 2 तारीख को। तो वहाँ पे ये जो आपसी लोग हैं गली पड़ोस मोहल्ले के, उन्होंने फिर बजरंग दल वालों को बुलाया कि यहाँ पे एक बच्ची पीड़ित है। तो बच्ची पीड़ित का मामला सुनते ही हम सारे भगे चले आगे। फिर हमने पूछा, मैंने क्या मामला है, तो इसने बताया कि इसको सोनू उस सराजुद्दीन को ही फोन करता था। फोन का रिस्पॉन्स इसकी तरफ से ना रहने पर फिर उस वो इसको कुछ सुंघा दिया। इसको नहीं पता किसने सुंघा गया था। ये बल्लभगढ़ से हरदोई गया था, वहीं पे गया होगा, वहीं से आया। ये लड़की कह रही है कि मेरे को पीछे से सुंघाया है, जो इसने अपनी लिखित में भी दी है, बयान भी दिए, बता रही है ये। और उसके बाद में फिर जब इसको होश आया तो बता रहे हैं कि बल्लभगढ़ में इसको होश आया, और बल्लभगढ़ में होश आने पर इसपे इसको मारा पीटा भी गया है। कह रही है कि मेरे को नमाज पढ़ने के लिए बोला गया है कि पढ़ना सीख इसको, इस तरीके से धर्म परिवर्तन के लिए कोशिश करी गई है कि भाई अपना नाम वगैरह जो चेंज करे। तो इस तरीके की जब ये सब घटना इसके साथ में हुई है, उसके बाद में फिर इसको क्या करा गया है कि भाई 3 महीने तक तो वहां दुष्कर्म करा गया है इसके साथ। फिर बता रही है कोई इर्दीज खान है, उसका कोई जीजा है, उसने जब इसके साथ कोई कोशिश करी है, चिल्लाई है, शोर मचा है, उस पे इसकी जो बहन है इसकी सानू उर्फ सराजुद्दीन की बहन है निशा, निशा ने फिर इनको घर से बाहर निकाल दिया है कि कहीं और चले जाओ। उस पे पुरानी पुलिस चौकी वाली जो गली है वहां पे इसने किराए पे कमरा लिया है। मकान मालिक ने इनसे मांगा है कि भाई अपने कागज जमा करो। कागज जमा करने के नाम पे आजकल परसों टाल मटोल करता रहा है। टाल मटोल करने पे फिर इसके साथ में फिर मारपिटाई हुई है। वहाँ मारपिटाई पे वहाँ के सारे लोग इकट्ठे हो गए, फिर इसने लोगों को बताई मेरे साथ ये चीज हो रही है। इसका पता लगता ही लोगों ने फिर हम लोगों पे फोन आया कि भाई आप बजरंग दल वाले हैं, थोड़ा आइए। और महिला तो कोई भी हो, हिंदू की हो या मुसलमान की हो, महिला तो बहन बेटी सबकी बराबर है। हम तुरंत पहुंच गए हैं यहाँ पे। हम मामला धर्म परिवर्तन का भी है प्लस किडनैपिंग का है, इसको वहां से लेकर आए हैं। अब ये कह रही है कि मेरा एक इसका बच्चा भी है कि भाई मेरे साथ में जो भी चीज हुई है मेरे परिवार से मेरे को मिलवाया जाए। कोई नंबर वगैरह याद है इनको, परिवार वालों का संपर्क? ये परिवार का नंबर याद है आपको? नंबर याद है, चलो उनसे बात कर लेना, उनको बता देना। अब क्या है, ये महिला मिल गई, हमने पुलिस को लिखित में दे दी है आदर्श नगर थाने में। पुलिस अपना मुकदमा अब इस पे जैसे भी संज्ञान लेते वो दर्ज करेंगे, कार्रवाई करेंगे और फिर आगे इनके परिवार को बुला के उनको सौंप दिया जाएगा। तो बहुत बड़ा मामला है भाई साहब, 6 महीना से गायब किया गया इस महिला को और इसको बिल्कुल बंद करके रखा है, तो परिवार को फोन भी नहीं किया होगा इसने? नहीं, फोन नहीं करने दिया? नहीं चलाने देते। हाँ इधर फिर आ जाओ, फोन वगैरह नहीं करने दिया आपको? ना करने देती हो, ना बात करने देती हो, अपना बात बात करी आओ। परिवार को आप बताना चाहते थे लेकिन फोन नहीं करने दिया? ना करने देती। आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मम्मी है, पापा नहीं, मेरे भैया 4 बहन है। और पीछे जो शादी हुई थी पति कहाँ गया? पति हरदोई के लगा।
अलग हो गए हो क्या पति से? अलग नहीं, जब मेरे पापा मारे गए तो मैं अपने घर ही हूँ। अच्छा, बच्चे भी है क्या आपके? बच्चे हैं, लड़का है। चलो ये तो पुलिस की जांच। राजू दीन को गिरफ्तार किया गया है या नहीं? अभी नहीं, अभी तो पुलिस में आए हैं। ये फरार चल रहा है? अभी पुलिस में है भाई, मुकदमे इस पे दर्ज होगा, पुलिस संज्ञान में ले लिया, कार्रवाई में लगी है। बाकी हमें प्रशासन पे पूरा विश्वास रहता है कि हम अभी तक, आपने देखा परसों तरसों भी एक बच्ची को घर से ले गया था तो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सूरजकुंड थाना क्षेत्र में और तुरंत ऐसे SHO ने कार्रवाई करी और लड़की को बरामद कर लिया है। ऐसे पुलिस पे जितने भी मामले जाते हैं पुलिस पूरी मदद करती है, पूरा विश्वास है हमें कि इस पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई होगी, इसको इसके परिवार से मिलवाया जाएगा। चलो जी, और जब तक नहीं मिलवाया जाएगा तब तक हम इसके साथ खड़े हैं, क्या हमें इसके लिए आगे कदम उठाना पड़े, साथ में। चलो जी ठीक है, धन्यवाद आपको बातचीत करने के लिए। तो आदर्श नगर बल्लभगढ़ में ये शिकायत आई है, पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, अभी लोग अंदर गए थे, शिकायत दे कर आए हैं, मुकदमा दर्ज किया जाएगा ऐसा पुलिस वालों का कहना है। कहना भाई मुकदमा दर्ज करो, कार्रवाई करो और इस महिला को उसके घर पर भेजो। अब उसके घर वाले पता नहीं कितना परेशान होंगे ढूंढ ढूंढ के, क्योंकि ना तो उसको फोन पर बात करने दिया है, ना ही किसी से मिलने दिया है। 3 महीना 4 महीना 5 महीने एक कैद में रही है और अब जो है अपनी परेशानी घर वालों को बताई है। तो बजरंग दल वाले पुलिस में आए हैं, शिकायत है कि फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप।